नमस्कार, पंजाब टुडे में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अमित शर्मा। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह प्रदेश में पूरी तरह कानून व्यवस्था और सुरक्षा बनाए रखने की बात करते हैं। वहीं उनकी पार्टी के विधायक पंचायत चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को भड़काने और शह देने की बात कर रहे हैं। हम बात बाबा बकाला के कांग्रेस विधायक संतोष सिंह की कर रहे हैं, जिनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कार्यकर्ताओं को पंचायत चुनाव में किसी भी तरह जीत हासिल करने की बात कह रहे हैं। तो पंजाब में पंचायत चुनाव नजदीक है, जहां सभी पार्टियां चुनाव की तैयारियों में जुट गई हैं। वहीं कांग्रेस के विधायक संतोष सिंह का एक वीडियो वायरल कार्यकर्ताओं को शह दे रहे हैं और अपने कार्यकर्ताओं को जीतने के लिए कुछ भी करने की सलाह दे रहे हैं। कांग्रेस विधायक का कहना है कि पंचायती चुनाव हर हाल में जीतने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आपको किसी से झगड़ा भी करना पड़े तो आप वो करो, उससे पीछे आपको नहीं हटना है, लेकिन चुनाव जीतने में कोई कसर नहीं छोड़नी है। जिताना भी सारे तरीके वर्तन इवें जे डब डबूजा बजाते ना, कहीं एनू लैके चले गए, कहीं इन वह बिल्कुल बाज रहे। वो कहीं कांग्रेस दिन स्टेजा से फोटो लाने फिर, कहीं वो दिया लाते फिर, जे पक्के फोटो वाले वो रहेंगे। ये जे कि लागे नहीं आने देना हमारा। आ मेरे वीर तो बड़े पच्चे पुचे करवाद, इन्हों मैं अच चेतावनी दे के चलिया। ये कांग्रेस सरकार कांग्रेस ही जे मत सोचो कि मैं जे भला मान जानता नहीं गा, उत्थे ठोकूंगा जो तीन तीन साल पछाण आन दूंगा। ये मेरा डी एस पी ता नवा जा गया जी, तहसीलदार भी नवा आ गया, एस एच ओ जो दोवें भले मास जी इन्हों घल देना, हम चंगे लियाने जे जो जे पुराने होंगे ना वो लियाने, जो डांग निकलदे फिरदे। ये मेरी तुहानू हाथ जोड़ के बेनती आ भी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी आ, कांग्रेस पार्टी का राज आ, जिहड़ा कांग्रेस पार्टी का नुमाइंदा बनूगा वो काम होने, ना कि आज डब डबू बजाने वाले नहीं जे होने, उन्होंने होने कांग्रेस। तुम कांग्रेस ही जे साडे काम होने, जेडे आते ने दल बदलू अच वोटा पा लिया आम पार्टी को, झोला आम पार्टी का फड़ लिया तो दूजे दिन कांग्रेस दी फोटो लाते फिरते, वो बिल्कुल बाज आने गल ना ही फोटो वाला हम चाहिए तो ना ही लोड़ है सानू उन्ने बड़े जे को। ये मेरी तुम बेनती आ, तगड़े होकर कांग्रेस का सरपंच बना लो, आ बना लो प्लाटा वाला काम, दूजे तीजे काम जोड़े ताे पहल के आधार पर होगा। भला मानस ता सरपंच आजा भला मानस सरपंच, मैं भी भला मानस पर मैं होना बनना पैना वा। मेरी बेनती आ तकड़े होकर ब्लाक समितियां जिता लो, जिला पुलिस जिता लो और सरपंच बना लो कांग्रेस का, जिथे तुम चिट्टे कागज पर मेरे को सैन कराने उसे कराई जाओ। तो कांग्रेस के विधायक हैं संतोष सिंह, जिनको आप सुन रहे थे, और किस तरीके से यहाँ पर वो आपने सुना उनको, किस तरीके से वो धमकी दे रहे हैं, किस तरीके से वो कह रहे हैं कि आपको पंचायत चुनाव हर हाल में जीतना है, अगर आप उसके लिए आप किसी से आपको झगड़ा भी करना पड़ता है तो आप झगड़ा करिए, इससे आपको कोई नहीं रोकेगा। हमारे साथ संदीप गौरसी जो कि लीगल एडवाइज़र हैं कांग्रेस के, अमृतसर स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं। संदीप गौरसी जी, आपने ये वीडियो देखा सुना, और सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि आप लीगल एडवाइज़र होने के नाते कांग्रेस के, क्या आपको लगता है कि उन्होंने सही भाषा का इस्तेमाल किया है, और भाषा अगर सही नहीं है, भड़काऊ भाषा ये लग रही है, तो क्या उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? उन्होंने किसी भी अभद्र भाषा का, हेलो जी, पहले तो ये बात है सर कि उन्होंने किसी भी अभद्र भाषा का उपयोग नहीं किया है, और जो आपने वीडियो जो चैनल पर दिखा रहे हो मैंने भी अभी देखी है, इससे पहले मैंने ये वीडियो नहीं देखी। और इसमें जो वो कह रहे हैं कि हर हाल में जीतना है जो आप दिखा रहे हो, तो ये अगर वर्कर को मोटिवेट कर रहे हैं तो इसमें बुरा भी क्या है, आप बताइए इसमें बुरा क्या कह रहे हो? बुरा ये कह रहे हैं सर, बुरा मैं बताता हूँ क्या कह रहे हैं, बुरा ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर आपको चुनाव जीतने के लिए कुछ भी करना पड़े तो आप करिए, किसी से आपको झगड़ा करना पड़े तो आप करिए, आप कह रहे हैं कुछ नहीं कह रहे हैं ऐसा, क्या ये भड़काऊ नहीं है? क्या आपको वोट के लिए किसी से अगर झगड़ा करना पड़े तो आप कर सकते हैं? वो सीधे तौर पर चुनौती दे रहे हैं कानून व्यवस्था को, आप कैसी बात कर रहे हैं सर? सर ऐसा है, उन्होंने झगड़ा करने के बारे में, हाँ, मैं सर वही कह रहा हूँ, आप कृपया उसको ध्यान से सुनिए, उन्होंने झगड़ा करने के लिए नहीं कहा है, उन्होंने ये कहा है, आप दोबारा उसको सुन लो थोड़ा सा, उन्होंने ये नहीं कहा झगड़ा करना पड़ता है तो करिए। मैं आपको थोड़ा सा इतिहास इस हल्के का बताना चाहता हूँ कि ये हलका जो है वो पहले यहाँ पे अकाली विधायक थे, तो उन्होंने जब अकाली दल की सरकार थी तब जब यहाँ पे इलेक्शन हुए थे तो उन्होंने 302 का एक जाली मुकदमा
तब 40 कांग्रेसी वर्करों पे दर्ज करवाया था और उसमें पूर्व विधायक जसबीर सिंह डिम्पा जी के खिलाफ, उनके भाइयों के खिलाफ और 40 वर्कर जो कांग्रेस थे उनके खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज हुआ था इसी हलके में। और सर मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि इसी हलके में जो जिसको ब्यास हलका कहते थे, अब वो बाबा बकाला हलका हो गया है जहाँ से संतोख सिंह भलाईपुर MLA हैं, तो उस हलके में अगर आप पिछली सरकार में देखोगे तो कम से कम 500-600 FIR कांग्रेसी वर्करों पे वहां पे दर्ज की गई है। तो इसमें इन्होंने तो ये भी नहीं कहा भी हम किसी पे FIR दर्ज कर देंगे, इन्होंने कहा अगर वर्कर को मोटिवेट कर रहे हैं, किसी नुक्कड़ मीटिंग में बैठे हैं, किसी गांव में बैठे हैं, कि घबराओ नहीं, आप अपनी लड़ाई जीतो, हर हाल में जीतनी है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप किसी को मार दो, इन्होंने ऐसा तो कुछ नहीं बोला। यानी आप जो भी बात संतोख सिंह की ओर से कही गई है उनको जायज ठहरा रहे हैं। और चलिए फिलहाल आपको सीधे ले चलते हैं स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति का देश के नाम संबोधन, सुनिए। शामिल थे, वे चाहते तो सुविधा पूर्ण जीवन जी सकते थे, लेकिन देश के प्रति अपनी अटूट निष्ठा के कारण उन्होंने ऐसा नहीं किया। वे एक ऐसा स्वाधीन और प्रभुता संपन्न भारत बनाना चाहते थे जहाँ समाज में बराबरी और भाईचारा हो। हम उनके योगदान को हमेशा याद करते हैं। अभी 9 अगस्त को ही भारत छोड़ो आंदोलन की 76वीं वर्षगांठ पर स्वाधीनता सेनानियों को राष्ट्रपति भवन में सम्मानित किया गया। हम भाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे महान देशभक्तों की विरासत मिली है। उन्होंने हमें एक आज़ाद भारत सौंपा है, साथ ही उन्होंने कुछ ऐसे काम भी सौंपे हैं जिन्हें हम सब मिलकर पूरा करेंगे। देश का विकास करने तथा गरीबी और असमानता से मुक्ति प्राप्त करने के ये महत्वपूर्ण काम हम सबको करने हैं। इन कार्यों को पूरा करने की दिशा में हमारे राष्ट्रीय जीवन का हर प्रयास उन स्वाधीनता सेनानियों के प्रति हमारी श्रद्धांजलि है। यदि हम स्वाधीनता का केवल राजनैतिक अर्थ लेते हैं तो लगेगा कि 15 अगस्त 1947 के दिन हमारा लक्ष्य पूरा हो चुका था। उस दिन राजसत्ता के खिलाफ संघर्ष में हमें सफलता प्राप्त हुई और हम स्वाधीन हो गए। लेकिन स्वाधीनता की हमारी अवधारणा बहुत व्यापक है, इसकी कोई बंधी बधाई और सीमित परिभाषा नहीं है। स्वाधीनता के दायरे को बढ़ाते रहना एक निरंतर प्रयास है। 1947 में राजनैतिक आज़ादी मिलने के इतने दशक बाद भी प्रत्येक भारतीय एक स्वाधीनता सेनानी की तरह ही देश के प्रति अपना योगदान दे सकता है। हमें स्वाधीनता को नए आयाम देने हैं और ऐसे प्रयास करते रहना है जिनसे हमारे देश और देशवासियों को विकास के नए नए अवसर प्राप्त हो सकें। हमारे किसान उन करोड़ों देशवासियों के लिए अन्न पैदा करते हैं जिनसे वे कभी आमने सामने मिले भी नहीं होते। वे देश के लिए खाद्य सुरक्षा और पौष्टिक आहार उपलब्ध करा के हमारी आज़ादी को शक्ति प्रदान करते हैं। जब हम उनके खेतों की पैदावार और उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए आधुनिक टेक्नोलॉजी और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं, तब हम अपने स्वाधीनता सेनानियों के सपनों का भारत बनाते हैं। हमारे सैनिक सरहदों पर, बर्फीले पहाड़ों पर, चिलचिलाती धूप में, सागर और आसमान में पूरी बहादुरी और चौकसी के साथ देश की सुरक्षा में समर्पित रहते हैं। वे बाहरी खतरों से सुरक्षा करके हमारी स्वाधीनता सुनिश्चित करते हैं। जब हम उनके लिए बेहतर हथियार उपलब्ध कराते हैं, स्वदेश में ही रक्षा उपकरणों के लिए सप्लाई चेन विकसित करते हैं और सैनिकों को कल्याणकारी सुविधाएं प्रदान करते हैं, तब हम अपने स्वाधीनता सेनानियों के सपनों का भारत बनाते हैं। हमारी पुलिस और अर्धसैनिक बल अनेक प्रकार की चुनौतियों का सामना करते हैं। वे आतंकवाद का मुकाबला करते हैं तथा अपराधों की रोकथाम और कानून व्यवस्था की रक्षा करते हैं। साथ ही साथ प्राकृतिक आपदाओं के समय वे हम सबको सहारा देते हैं। जब हम उनके कामकाज और व्यक्तिगत जीवन में सुधार लाते हैं, तब हम अपने स्वाधीनता सेनानियों के सपनों का भारत बनाते हैं। महिलाओं की हमारे समाज में एक विशेष भूमिका है। कई मायनों में महिलाओं की आज़ादी को
व्यापक बनाने में ही देश की आजादी की सार्थकता है। यह सार्थकता घरों में माताओं, बहनों और बेटियों के रूप में तथा घर से बाहर अपने निर्णयों के अनुसार जीवन जीने की उनकी स्वतंत्रता में देखी जा सकती है। उन्हें अपने ढंग से जीने का तथा अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग करने का सुरक्षित वातावरण तथा अवसर मिलना ही चाहिए। वे अपनी क्षमता का उपयोग चाहे घर की प्रगति में करें या फिर हमारे वर्कफोर्स या उच्च शिक्षा संस्थानों में महत्वपूर्ण योगदान देकर करें। उन्हें अपने विकल्प चुनने की पूरी आज़ादी होनी चाहिए। एक राष्ट्र और समाज के रूप में हमें यह सुनिश्चित करना है कि महिलाओं को जीवन में आगे बढ़ने के सभी अधिकार और क्षमताएं सुलभ हों। जब हम महिलाओं द्वारा चलाए जा रहे उद्यमों या स्टार्टअप के लिए आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराते हैं, करोड़ों घरों में LPG कनेक्शन पहुंचाते हैं और इस प्रकार महिलाओं का सशक्तिकरण करते हैं, तब हम अपने स्वाधीनता सेनानियों के सपनों का भारत बनाते हैं। हमारे नौजवान भारत की आशाओं और आकांक्षाओं की बुनियाद है। हमारे स्वाधीनता संग्राम में युवाओं और वरिष्ठ जनों सभी की सक्रिय भागीदारी थी, लेकिन उस संग्राम में जोश भरने का काम विशेष रूप से युवा वर्ग ने किया था। स्वाधीनता की चाहत में भले ही उन्होंने अलग अलग रास्ते चुने हों, लेकिन वे सभी आज़ाद भारत, बेहतर भारत तथा समर्थ भारत के अपने आदर्शों और संकल्पों पर विकास करते हैं। उन्हें टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और उद्यमिता के लिए तथा कला और शिल्प के लिए प्रेरित करते हैं। उन्हें संगीत का सृजन करने से लेकर मोबाइल ऐप्स बनाने के लिए और खेल प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इस प्रकार जब हम अपने युवाओं की असीम प्रतिभा को उभरने का अवसर प्रदान करते हैं, तब हम अपने स्वाधीनता सेनानियों के सपनों का भारत बनाते हैं। मैंने राष्ट्र निर्माण के कुछ ही उदाहरण दिए हैं, ऐसे अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं। वास्तव में वह प्रत्येक भारतीय जो अपना काम निष्ठा व लगन से करता है, जो समाज को नैतिकतापूर्ण योगदान देता है, चाहे वह डॉक्टर हो, नर्स हो, शिक्षक हो, लोक सेवक हो, फैक्ट्री वर्कर हो, व्यापारी हो, बुजुर्ग माता पिता की देखभाल करने वाली संतान हो, ये सभी अपने अपने ढंग से स्वाधीनता के आदर्शों का पालन करते हैं। ये सभी नागरिक जो अपने कर्तव्यों और दायित्वों का निर्वाह करते हैं और अपना वचन निभाते हैं, वे भी स्वाधीनता संग्राम के आदर्शों का पालन करते हैं। मैं कहना चाहूँगा कि हमारे जो देशवासी कतार में खड़े रहकर अपनी बारी का इंतजार करते हैं और अपने से आगे खड़े लोगों के अधिकारों का सम्मान करते हैं, वे भी हमारे स्वाधीनता सेनानियों के सपनों का भारत बनाते हैं। यह एक बहुत छोटा सा प्रयास है, आइए कोशिश करें इसे हम सब अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। प्यारे देशवासियों, जो कुछ भी मैंने कहा है, क्या वह अब से 10-20 वर्ष पहले प्रासंगिक नहीं रहा होगा? कुछ हद तक निश्चित रूप से यह सब प्रासंगिक रहा होगा। फिर भी आज हम अपने इतिहास के एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जो अपने आप में बहुत अलग है। आज हम कई ऐसे लक्ष्यों के काफ़ी करीब हैं जिनके लिए हम वर्षों से प्रयास करते आ रहे हैं। सबके लिए बिजली, खुले में शौच से मुक्ति, सभी बेघरों को घर और अति निर्धनता को दूर करने के लक्ष्य अब हमारी पहुंच में है। आज ऐसे में हमें इस बात पर जोर देना है कि हम ध्यान भटकाने वाले मुद्दों में ना उलझें और ना ही निरर्थक विवादों में पड़कर अपने लक्ष्यों से हटें। करीब 3 दशक बाद हम सब आज़ादी की 100वीं वर्षगांठ मनाएंगे। पूरी दुनिया तेजी से बदल रही है। हमें दुनिया के मुकाबले अधिक तेज रफ्तार से बदलाव और विकास करना होगा। आज जो निर्णय हम ले रहे हैं, जो बुनियाद हम डाल रहे हैं, जो परियोजनाएं हम शुरू कर रहे हैं, जो सामाजिक और आर्थिक पहल हम कर रहे हैं, उन्हीं से ये तय होगा कि हमारा देश कहाँ तक पहुँचा है। हमारे देश में बदलाव और विकास तेजी से हो रहा है और इसकी सराहना भी हो रही है। हमारे देश में इस प्रकार के बदलाव
हमारी जनता, हमारे प्रबुद्ध नागरिकों और समाज एवं सरकार की साझेदारी से संचालित होते रहे हैं। हमेशा से हमारी सोच यह रही है कि ऐसे परिवर्तनों से समाज के वंचित वर्ग का और गरीबों का जीवन बेहतर बने। मैं आपको केवल एक उदाहरण देता हूँ। इस समय ग्राम स्वराज अभियान के तहत 7 प्रमुख कार्यक्रमों का लाभ हमारे सर्वाधिक गरीब और वंचित नागरिकों तक पहुंचाया जा रहा है। इन सेवाओं में बिजली, बैंकिंग, कल्याणकारी और बीमा कार्यक्रमों के साथ साथ दुर्गम इलाकों तक टीकाकरण की सुविधा पहुंचाना शामिल है। ग्राम स्वराज अभियान के दायरे में उन 117 आकांक्षी जिलों को भी शामिल कर लिया गया है जो आज़ादी के 7 दशक बाद भी हमारी विकास यात्रा में पीछे रह गए हैं। इन जिलों की आबादी में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लोगों की संख्या अधिक है। हमारे सामने सामाजिक और आर्थिक पिरामिड में सबसे नीचे रह गए देशवासियों के जीवन स्तर को तेजी से सुधारने का अच्छा अवसर है। ग्राम स्वराज अभियान का कार्य केवल सरकार द्वारा नहीं किया जा रहा है, यह अभियान सरकार और समाज के संयुक्त प्रयास से चल रहा है। इन प्रयासों में ऐसे नागरिक सक्रिय हैं जो निर्बल वर्गों की कठिनाइयों को कम करने, उनकी तकलीफ बांटने और समाज को कुछ देने के लिए सदैव तैयार रहते हैं। भारतीय परंपरा में दरिद्र नारायण की सेवा को सबसे अच्छा काम कहा गया है। भगवान बुद्ध ने भी कहा था कि अभित्वरेत कल्याणे, अर्थात कल्याणकारी काम सदैव तत्परता से करना चाहिए। मुझे विश्वास है कि हम सभी भारतवासी समाज और देश के कल्याण के लिए तत्परता के साथ अपना योगदान देते रहेंगे। प्यारे देशवासियों, स्वाधीनता दिवस का हमेशा ही एक विशेष महत्व होता है, लेकिन इस बार इस दिवस के साथ एक खास बात जुड़ी हुई है। कुछ ही सप्ताह बाद 2 अक्टूबर से महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के समारोह शुरू हो जाएंगे। गांधी जी ने केवल हमारे स्वाधीनता संग्राम का नेतृत्व ही नहीं किया था, बल्कि वो हमारे नैतिक पथ प्रदर्शक भी थे और सदैव रहेंगे। भारत के राष्ट्रपति के रूप में मुझे अफ्रीका के देशों की यात्रा करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। विश्व में हर जगह जहाँ जहाँ पर मैं गया, संपूर्ण मानवता के आदर्श के रूप में गांधी जी को सम्मान के साथ स्मरण किया जाता है। उन्हें मूर्तिमान भारत के रूप में देखा जाता है। हमें गांधी जी के विचारों की गहराई को समझने का प्रयास करना होगा। उन्हें राजनीति और स्वाधीनता की सीमित परिभाषाएं मंजूर नहीं थी। जब गांधी जी और उनकी पत्नी कस्तूरबा चंपारण में नील की खेती करने वाले किसानों के आंदोलन के सिलसिले में बिहार गए, तो वहाँ उन्होंने काफ़ी समय वहाँ के लोगों, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों को स्वच्छता और स्वास्थ्य की शिक्षा देने में लगाया। चंपारण में और अन्य बहुत से स्थानों पर गांधी जी ने स्वयं स्वच्छता अभियान का नेतृत्व किया। उन्होंने साफ सफाई को आत्म अनुशासन और शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक माना। उस समय बहुत से लोगों ने यह सवाल उठाया था कि इन सब बातों का भला स्वाधीनता संग्राम के साथ क्या लेना देना है। महात्मा गांधी के लिए स्वाधीनता के अभियान में उन बातों का बहुत महत्व था। उनके लिए वह केवल राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने का संग्राम नहीं था, बल्कि गरीब से गरीब लोगों को सशक्त बनाने, अनपढ़ लोगों को शिक्षित करने तथा हर व्यक्ति, परिवार, समूह और गांव के लिए सम्मान के साथ जीवन जीने के अधिकार का संघर्ष था। गांधी जी स्वदेशी पर बहुत जोर दिया करते थे। उनके लिए यह भारतीय प्रतिभा और संवेदनशीलता को बढ़ावा देने का प्रभावी माध्यम था। वे दुनिया के अन्य हिस्सों में प्रचलित चिंतन धाराओं के बारे में सजग थे। वे ये मानते थे कि भारतीय सभ्यता के अनुसार हमें पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर नए नए विचारों के लिए अपने मस्तिष्क की खिड़कियां खुली रखनी चाहिए। यह स्वदेशी की उनकी अपनी सोच थी। दुनिया के साथ हमारे संबंधों को परिभाषित करने में हमारी अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य,
शिक्षा, सामाजिक आकांक्षाओं और नीतिगत विकल्पों के चयन में स्वदेशी की यह सोच आज भी प्रासंगिक है। गांधी जी का महानतम संदेश यही था कि हिंसा की अपेक्षा अहिंसा की शक्ति कहीं अधिक है, प्रहार करने की अपेक्षा संयम वर्तना कहीं अधिक सराहनीय है तथा हमारे समाज में हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है। गांधी जी ने अहिंसा का यह अमोघ अस्त्र हमें प्रदान किया है। उनकी अन्य शिक्षाओं की तरह अहिंसा का यह मंत्र भी भारत की प्राचीन परंपरा में मौजूद था और आज 21वीं सदी में भी हमारे जीवन में यह उतना ही उपयोगी और प्रासंगिक है। इस स्वाधीनता दिवस के अवसर पर जो गांधी जी की 150वीं जयंती समारोहों के इतना करीब है, हम सब भारतवासी अपने दिन प्रतिदिन के आचरण में उनके द्वारा सुझाए गए रास्तों पर चलने का संकल्प लें। हमारी स्वाधीनता का उत्सव मनाने तथा भारतीयता के गौरव को महसूस करने का इससे बेहतर कोई और तरीका नहीं हो सकता। यह भारतीयता केवल हमारे लिए नहीं है, यह पूरे विश्व को भारतीय सभ्यता की देन है। गांधी जी और भारत की सोच वसुधैव कुटुंबकम की रही है। हम पूरी दुनिया को एक ही परिवार मानते हैं, इसीलिए हमारा ध्यान सदैव विश्व कल्याण पर होता है, चाहे वह अफ्रीकी देशों की सहायता करना हो, जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर पहल करनी हो, संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों के लिए दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में सेना भेजनी हो, पड़ोसी देशों में प्राकृतिक आपदा के समय मदद पहुंचानी हो या फिर विश्व में कहीं भी विषम परिस्थितियों में फंसे भारतवासियों को वहां से सुरक्षित निकालने के साथ साथ दूसरे देशों के नागरिकों को भी वहां से बाहर निकालना हो। गांधी जी और भारत की इसी सोच के अनुसार हम स्वास्थ्य एवं मानव कल्याण के लिए योगा अभ्यास को तथा विकास के लिए आधुनिक टेक्नोलॉजी को पूरी दुनिया के साथ साझा करते हैं। हम सब गांधी जी की संतान हैं। जब हम एकाकी पथ पर चलते हैं तब भी हमारी आंखों में पूरी मानवता के कल्याण के सपने होते हैं। प्यारे देशवासियों, अनेक विश्वविद्यालयों में अपने संवादों के दौरान मैंने विद्यार्थियों से यह आग्रह किया है कि वे साल में 4 या 5 दिन किसी गांव में बिताएं। USR यानी यूनिवर्सिटी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में किए जाने वाले इस प्रयास से विद्यार्थियों में अपने देश की वास्तविकताओं के बारे में जानकारी बढ़ेगी, उन्हें सामाजिक कल्याण के कार्यक्रमों से जुड़ने और उनमें भाग लेने का अवसर मिलेगा तथा वे ऐसे कार्यक्रमों के प्रभाव को बेहतर ढंग से समझ सकेंगे। इस पहल से विद्यार्थियों को भी लाभ होगा और साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्रों को भी मदद मिलेगी। इससे हमारी आज़ादी के संघर्ष जैसा जोश फिर से पैदा होगा और हर नागरिक को राष्ट्र निर्माण से जुड़ने की प्रेरणा मिलेगी। अपने देश के युवाओं में आदर्शवाद और उत्साह देखकर मुझे बहुत संतोष का अनुभव होता है। उनमें अपने लिए, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए और अपने देश के लिए कुछ न कुछ हासिल करने की भावना दिखाई देती है। नैतिक शिक्षा का इससे बेहतर उदाहरण नहीं हो सकता। शिक्षा का उद्देश्य केवल डिग्री या डिप्लोमा प्राप्त कर लेना ही नहीं है, बल्कि सभी के जीवन को बेहतर बनाने की भावना को जगाना भी है। ऐसी भावना से ही संवेदनशीलता और बंधुता को बढ़ावा मिलता है। यही भारतीयता है, यही भारत है। यह भारत देश हम सब भारत के लोगों का है, न कि केवल सरकार का। एकजुट होकर हम भारत के लोग अपने देश के हर नागरिक की मदद कर सकते हैं। एकजुट होकर हम अपने वनों और प्राकृतिक धरोहरों का संरक्षण कर सकते हैं। हम अपने ग्रामीण और शहरी पर्यावास को नया जीवन दे सकते हैं। हम सब गरीबी, अशिक्षा और असमानता को दूर कर सकते हैं। हम सब मिलकर ये सभी काम कर सकते हैं और हमें ये करना ही है। यद्यपि इसमें सरकार की प्रमुख भूमिका होती है, परंतु एकमात्र भूमिका नहीं। आइए हम अपने प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार के कार्यक्रमों और परियोजनाओं का पूरा पूरा उपयोग करें। आइए
देश के काम को अपना काम समझें, यही सोच हमें प्रेरणा देगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर आपको और आपके परिवार के सदस्यों को स्वाधीनता दिवस की हार्दिक बधाई और आप सबके स्वर्णिम भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को आप सुन रहे थे, जो आपको बता दें कि स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम संबोधन उनका, और कई महत्वपूर्ण बातें राष्ट्रपति यहां पर कह रहे थे। ब्रेक का वक्त, फौरन लौट रहे हैं।